गाय देखो सारी मूंगफली बेच चुकी हैं, देखो सारा गीला हो गया, क्या फायदा हुआ सुखाने का, सब गीली हो गई, सारे में पानी भर गए, सब भीज गई, कीच भर गई है, मट्टी आ रही है। ऐसा तो डूबी जाती, मैं कह रहा हूँ डूबी जाती डूब जाती। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू विद न्यू ब्लॉग एपिसोड। तो फिलहाल गाइज सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी भी मैं सो के उठ के ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि मूंगफली के ऊपर से पॉलीथीन डालनी है, उसमें पानी भरा हुआ है, क्योंकि धूप निकलेगी तो सूख जाएंगी, तो फटाफट से हटा देते हैं। तो गाइज अभी ऊपर आ चुके हैं पन्नी को हटाने, क्योंकि बरसात आ गई थी, तो हमने पन्नी और पाल दोनों डांग दिए थे मूंगफली पे, क्योंकि भीग जाती। तो अभी गाइज सुबह नहा धो के आ चुका है, स्कूल जाने वाला था लेकिन पापा जी ने मना कर दिया, तो यहाँ भी चाहिए क्योंकि बरसा बरसा आ गई, तो यहाँ भी पन्नी फन्नी ढांकनी पड़ेगी, क्योंकि बरसा बताई आज 9 बजे से। तो शुभम घर पर रहेगा, मैं जाऊँगा खेत पे, मूंगफली निकालने आती है मशीन। तो अभी गाइज पाल तो हटा दिया है, और देखो बाबा भी देखने आए हैं कितनी मूंगफली सूख गई, क्योंकि ये भीज गई थी थोड़ी सी और गीली भी थी, तो इसलिए बाबा जी देखने आए हैं। और देखो देख रही है कहीं बंदर फंदर तो नहीं बैठा, लेकिन इनको पता नहीं है मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो अभी ये तो नीचे जा रहे हैं। देखो गाइज वो तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, लेकिन देखो दोनों बंदर खाने के लिए आए थे, लेकिन मैंने भगा दिए हैं, अभी ये दोनों जा रहे हैं अपने अपने रास्ते, क्योंकि मैंने भगा दिया इन दोनों को। गाइज अभी उधर की मूंगफली छान दी है, ये रह गई है इस कमरे की, लेकिन देखो बारिश आ गई और देखो सारी मूंगफली ऊपर पड़ी हुई है, कितनी तेज बारिश पड़ रही है। गाइज ये बारिश तो हमारा नुकसान करने पर लगी हुई है। गाय देखो सारी मूंगफली बेच चुकी हैं, देखो सारा गीला हो गया, क्या फायदा हुआ सुखाने का, सब गीली हो गई, सारे में पानी भर गए, सब भीज गई, कीच भर गई है, मट्टी आ रही है। ऐसा तो डूबी जाती, मैं कह रहा हूँ डूबी जाती। तो गाय जब शाम के 6 बज चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं मूंगफली इकट्ठी, मैंने एक ढेर इकट्ठा कर दिया है और बाकी शिवम और बाबा लगे हुए हैं, अभी आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई देखो शिवम और बाबा लगे हुए हैं, मैंने तो पलंग एक ढेर इकट्ठा कर दिया है, देखो पूरी छत गीली हुई पड़ी है, इतनी वर्षा हुई कि सारी मूंगफली भीग गई, लेकिन शाम को हमको इकट्ठी करनी पड़ रही है, क्योंकि रात में वर्षा और ज़्यादा आ गई ना तो सारे परारे बह जाएंगे बारिश में, तो कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा, तो इसलिए हमने पापा जी ने बोला कि इकट्ठी कर देना, तो हमने इकट्ठी कर दिए, बाकी जो कल धूप निकलेगी तो सुखा ही देंगे, देखते हैं कल का मौसम कैसा रहेगा, लेकिन वर्षा तो डेली की बता रहे हैं। तो अभी तो छत पे आके बैठ चुका हूँ और शाम का नजारा देखो कैसा हो रहा है। ये लग रहा हमारे छत पे तिरंगा, सामने सनसेट हो रहा है। यहाँ को इंजन रखा था, कसला उठा और प्रात उठा और जाके दिहाड़ी लगा, चलने मजदूर दिहाड़ी लगा जा दिहाड़ी। बाबा कर रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। चुप, अभी ना ढाक दे पन्नी। मैं जा रहा हूँ खेत पर डाल दी फिर। तो गाइस अभी मूंगफली सारी इकट्ठी हो चुकी हैं, मैं जा रहा हूँ अभी खेत पे, क्योंकि पानी देखना है, हर समर चल रही है, लाइट आ रही होगी, तो चलते हैं सीधे खेत पे आके मिलते हैं। तो गाइस अभी खेत पे आ चुके हैं, देखो पानी चल रहा है समर से, लाइट आ रही है अभी, ये हमारे धान अभी हल्के हो रहे हैं क्योंकि अभी खाद नहीं लगा इसमें, बाकी सबके धान अच्छे हो रहे हैं, मैं भी लगाऊंगा इसमें खाद, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा मेरे को, काम ज़्यादा है, तो लगा दूंगा तो अच्छे हो जाएंगे। फिलहाल पानी तो भरा हुआ है, पानी जा रहा है अभी आगे। तो गाइस अभी हमको आए हुए खेत पूरा 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के जय हिंद एंड जय भारत।